हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे डिज्नी प्लस और मार्वल की अपकमिंग सीरीज आयरन हार्ट से रिलेटेड काफी कमाल के अपडेट के बारे में। आज इतने दिनों बाद इसके काफी कमाल के अच्छे अपडेट्स आए हैं, तो आज हम चार टॉप के अपडेट के बारे में बात करेंगे। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। तो बिना किसी लोगो के इंट्रो के चलिए स्टार्ट करते हैं पहले अपडेट से। तो पहला अपडेट है इसकी टाइमलाइन को लेकर। काफी लोगों के मन में सवाल था कि आयरन हार्ट जो सीरीज आ रही है इसकी टाइमलाइन क्या होगी, किस मूवी के बाद या किस सीरीज के बाद इसके इवेंट होने वाले हैं। तो कंफर्म हो चुका है वकांडा फॉरएवर जो मूवी आ रही है उसके बाद के इवेंट दिखाए जाएंगे हमें आयरन हार्ट सीरीज में, जो कि सोलो होगा। और उसी के साथ बात करते हैं हम सेकंड अपडेट के बारे में, जो की है मैजिकल और टेक से रिलेटेड। तो इस सीरीज में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तो चीजें देखने को मिलेंगी, बट इसमें आपको मैजिकल चीजें भी देखने को मिलेंगी। अब मैजिकल वर्ड आ रहा है तो उसमें आपको एक कैरेक्टर और देखने को मिलेगा जिसको आप ऑलरेडी वांडाविजन में देख चुके हैं, यानी कि ये थर्ड अपडेट है कि आपको उसमें अगाथा भी देखने को मिलेगी जो शायद मे बी हुड की मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात कि इसकी जो सेट इमेजेस आई है सामने, हमें मेन विलेन भी कंफर्म हो जाता है, जो कि है फोर्थ अपडेट कि इसमें आपको हुड भी देखने को मिलेगा जो कि इस सीरीज का मेन विलेन होने वाला है। और उसी के साथ हुड का जो कॉस्ट्यूम है वो बिल्कुल एक्यूरेट कॉमिक बुक जैसा है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये फर्स्ट सेट इमेजेस हैं जो कि काफी ज्यादा कमाल की लग रही है। और बात करी जाए फिफ्थ अपडेट की, यानी कि रेरी विलियम्स की, तो उनके जो सेट इमेजेस आई है सूट पहनते हुए, तो ये सीजीआई सूट है, फिर भी लोगों को ये पसंद बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब लोगों को पसंद शायद मेरी इसलिए नहीं आ रहा होगा क्योंकि उनको चाहिए भाई आयरन मैन। और इस सीरीज में मुझे लगता है कि शायद जैसा कि कॉमिक बुक में हमें देखने को मिला है कि आयरन मैन एआई फॉर्म में देखने को मिल सकता है, जी हाँ, जो कि रिली विलियम्स की मदद कर सकता है उसको सूट डेवलप करने में, या आने वाले एपिसोड में हमें दिखा सकते हैं आयरन मैन एस एआई। क्या आप आयरन मैन को देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और ये आपको अपडेट कैसा लगे वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।